मैं हूं डॉक्टर मनदीप। आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस होम्योपैथी चैनल में। तो आप जैसे काफ़ी लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि नाइट फॉल है, जिसको हम स्पर्मटोरिया भी बोल देते हैं और हिंदी में धातु रोग भी बोल देते हैं, कि इसके ऊपर आप साइंस बेस्ड जैसे दूसरी वीडियोस बनाते हैं, इसके ऊपर भी साइंस बेस्ड कुछ नॉलेज है आप तक पहुंचाई जा सके। क्योंकि कई लोग हैं इसके लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक, बहुत सारी होम्योपैथिक, क्लेडियम, एग्नस, आयुर्वेदा के अंदर गोक्षरुआजा, ऐसी बहुत सारी टैबलेट ले चुके हैं, मेडिसिन खा चुके हैं, पर नाइट फॉल अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो आज इसके लिए मैं आपको साइंस के हिसाब से नॉलेज दूंगा, उसके बाद आप ठीक अपने आप ही कर लोगे, आपको सारी समझ आ जाएगी कि अब तक आपको नाइट फॉल क्यों हो रहा था, दांत क्यों पड़ रही थी और वो अब तक ठीक क्यों नहीं हुई है। ये आपको इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी कम नॉलेज होना ही है कि ये अब तक ठीक नहीं हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो धातु रोग को और स्पर्मटोरिया नाइटफॉल को समझने के लिए आपको कुछ जो मेल सेक्सुअल सिस्टम है, मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन है, उसके बारे में समझना चाहिए। जो धातु रोग में है, फ्लूड निकलता है रात को, जिसको हम स्वप्न दोष भी बोल देते हैं, नींद में सोते हुए एक चिपचिपा पानी निकलने लग जाता है, वो चिपचिपा पानी आना कहाँ से है, वो आता कहाँ से है, उसको समझना जरूरी है। तो लिंग के अंदर वाले हिस्से में, पेट के अंदर है एक ग्रंथि लगी होती है, जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। तो ये सेमिनल वेसिकल है, ये है फ्लूड भरती है वीर्य के अंदर, जो आप वीर्य देखते हो जब निकलता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, वो उसके अंदर पानी जैसी कंसिस्टेंसी होती है, तो ये सारा काम सेमिनल वेसिकल करता है। यहाँ से वीर्य निकलता है अंडकोशों से, तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। इसको पतला करने के लिए जब ये यहाँ पे लिंग की तरफ बढ़ने लगता है, तो रास्ते में ये जो ग्रंथि है, सेमिनल वेसिकल है, ये एक तरह की कीप की तरह होती है। जब आप मैकेनिक के पास जाते हो तो एक कीप से तेल लगाता है चैन को, तो ये एक तरह की कीप की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर पानी भरा होता है, पानी जैसा फ्लूड। तो जैसे ही अंडकोशों से वीर्य निकलता है, तो उसके अंदर ये यहाँ से पानी डालती है, पानी जैसा फ्लूड, जिसको हम सेमिनल फ्लूड बोलते हैं। यहाँ पे ये पूरा जो गाढ़ा फ्लूड होता है यहाँ पे, वो पतला हो जाता है, जितना कि नॉर्मल आगे बच्चे पैदा करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए चाहिए। और इस फ्लूड के अंदर होता है, पानी के अंदर होता है न्यूट्रिशन, ताकि जो वीर्य है अपना काम पूरा कर सके, उसके लिए न्यूट्रिशन होता है इस सेमिनल वेसिकल जो ग्रंथि फ्लूड छोड़ती है। तो ये न्यूट्रिशन फ्लूड है, जैसे कि हम ग्लूकोज लेते हैं उससे ताकत आती है, तो ये ऐसे ही ग्लूकोज जैसा एक तरह का पदार्थ मान सकते हो, जो सेमिनल वेसिकल छोड़ते हैं, ये पानी जैसा होता है। तो ये वीर्य यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, तो यहाँ से सेमिनल वेसिकल है, इसके अंदर पानी छोड़ती है, और ये जो आप बाहर देखते हो चिपचिपा पदार्थ, पतला पदार्थ वीर्य के साथ जो आता है, वो यहाँ से बन जाता है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब सारी साइंस है इसी हिस्से पे बेस्ड है, सारी साइंस इसी के ऊपर बेस है। अब क्या होता है, दो कारणों की वजह से ये जो ग्रंथि है, सेमिनल वेसिकल है, ये ज़्यादा पानी छोड़ने लग जाती है, चाहे आप सोते रहते हो और चाहे आप जगे हुए हो, तो ये ज़्यादा काम करने की वजह से फ्लूड है, जो वीर्य है, वो ज़्यादा निकलने लग जाता है बॉडी में से। तो अब क्या होता है, इसके दो कारण हम डिस्कस करते हैं। एक तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेमिनल फ्लूड है, ये जो ग्रंथि है ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बनाने लगी है। अब ये ज़्यादा बना देगी तो ये फूल जाएगी, इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये सारा जो फ्लूड है एनर्जी वाला, वो छोड़ने लग जाएगी, जिसको आप बोलते हो कि चिपचिपा पदार्थ आता रहता है दिन भर, पेशाब के साथ भी आता रहता है। तो ज़्यादा जब बनाने लग जाएगी तब ये छोड़ने लग जाएगी। दूसरा क्या है, एक्सेसिव स्टिमुलेंट, आप इसको दिन भर छोड़ने के लिए स्टिमुलेट करते रहते हो बार बार, जैसे कि आप पॉर्न वीडियोस देखते हो या सेक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो, तो इसको दिमाग की तरफ से ज़्यादा संकेत पहुँचता है कि तुम मैं तैयारी करो कि वीर्य यहाँ से आएगा, तो इसको बनाना शुरू कर दो फ्लूड को, वीर्य को एनर्जी चाहिए, ठीक है।
तो उसके लिए इसको दिमाग संकेत भेजता है कि तुम फ्लूड है ज़्यादा एनर्जी वाला बनाना शुरू करो, तो ये ज़्यादा बनाना शुरू कर देगी। और जब तक आप सेक्सुअली एक्ट कोई करोगे नहीं, वीर्य यहाँ पे पहुँचेगा नहीं, तो ये पहले से इतना फुल होगी है, तो वीर्य यहाँ पे पहुँचे ना पहुँचे, यहाँ तक आप सेक्सुअल एक्ट में गए नहीं हो, तो ये ज़्यादा फुल होने की वजह से तो यहाँ से लीकेज होने लग गया, चिपचिपा पदार्थ बाहर आने लग गया। तो दो इसके कारण है, सारी साइंस यहीं पे बेस्ड है। एक तो ये ज़्यादा बनाने लग गई है, दूसरा दिमागी तरफ से ज़्यादा संकेत मिल गए हैं कि वीर्य आने वाला है। जैसे कहीं आप सेक्स के लिए एक्टिविटी के लिए तैयार हो आप, तो दिमाग संकेत भेजता है इसको कि आप सेमिनल वेसिकल जो है फ्लूड ज़्यादा बनाइए, वीर्य बाहर आने वाला है। तो सेक्सुअली एक्टिविटी आपने की नहीं है, पर ये तो ज़्यादा बन गया है, तो इसलिए ये ज़्यादा आने लग जाता है। तीसरा जो आगे चलकर हम कारण इसका जानेंगे वो है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन पेट की खराबी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अब हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ये तो आम सी बात है, इसकी कोई लक्षण नहीं होते, पर ऐसा नहीं है। जिनको ये 5-6 महीने साल पुरानी है उनके अंदर ये लक्षण मिलती मिलते हैं, जैसे कि कब्ज उनको रहेगी और जैसी टॉयलेट के लिए बैठेंगे उनको लिंग में से ये चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। वो सेक्सुअली एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, पर टॉयलेट के लिए बैठते वक्त ही ये शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही टॉयलेट के लिए वो बैठते हैं इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, इस ग्रंथि के ऊपर। ये वैसे ही है जैसे पिचकारी को हम दबा दें पानी बाहर हो जाएगा, तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा जब वो बैठेगा। तो उससे क्या होगा, जब वो टॉयलेट करने जाता है बैठने से चिपचिपा पदार्थ बाहर आने लग जाता है, घुटनों में भी दर्द होने लग जाता है अगर ये बीमारी ऐसी चलती रहे, क्योंकि ये एनर्जी फ्लूड है ह्यूमन बॉडी का, ये एक तरह का एलिक्सर है। जैसे वीर्य है जो बोलते हैं ना कि ब्रह्मचारी रहता है उसके शरीर के अंदर बहुत जान है, तो ये सारी जान इन्हीं दोनों की वजह से होता है। अगर ये निकलता रहे तो कमजोरी आ जाती है, तो इसकी वजह से घुटने दर्द होने लग जाते हैं, नींद ना आना, इसके अंदर दिक्कत आ जाती है, सुस्ती रहती है सारा दिन, मेंटली वीकनेस आ जाती है, उसका दिमाग है कम काम करने लग जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, IQ लेवल लो हो जाता है, लो एनर्जी है उसके अंदर, कोई एनर्जी नहीं रहती, सारा दिन ढीला ढीला महसूस करता है, और कमर दर्द होने लग जाती है। सारे इसके लक्षण हैं। अगर कोई सोचे कि इससे तो कुछ होता नहीं है, नहीं, पर जो ज़्यादा समय से पीड़ित है उससे बात करोगे तो ये लक्षण उसके अंदर मिलेंगी मिलेंगे। अब हम चलते हैं कि इसके कारण क्या है, इलाज की तरफ आते हैं जो मेन पार्ट है। तो इलाज इसके लिए हमें जानना होगा कि ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसको ज़्यादा बोलती हैं कि तुम ज़्यादा फ्लूड बनाओ। सबसे पहले है एलर्जी वाले खाने, जो ऐसे खाने हैं जो हमारे लिए नहीं बने हैं, वो एलर्जिक डिजीज़ पैदा करते हैं बॉडी में, जैसे ब्रेड है, डबल रोटी है, मैदे से बनी चीज़ें हैं, बाजार से बने हुए बिस्कुट है, मैदे से बनी हुई कोई और चीज़ है, फर्मेंटेड फूड है, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, पनीर है, लस्सी है, मक्खन है, तो ऐसी चीज़ें हैं वो हमारे अंदर एलर्जी प्रोड्यूस करती हैं, एलर्जी कंडीशन। ऐसी चीज़ें खा रहे हो तो ये ज़्यादा काम करता है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी बंद कर देनी चाहिए। दूसरा है पॉर्न है, जो आप सेक्सुअली वीडियोस देखते हैं, एरोटिक मटेरियल देखते हैं, वो भी इसको स्टिमुलेट करता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी स्टिमुलेट करने वाली जो इसको बोलें कि तुम ज़्यादा फ्लूड बनाओ, चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है खाना। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, इसकी वजह से कमज़ोरी तो होनी होनी है, किसी भी अगर 5-6 महीने से हो रहा है, तो इसका वो उल्टा काम शुरू कर देता है। कैसे, कि जैसे उसको पता लगे कमज़ोरी आने लगी, वो घी खाने लग जाता है, तेल खाने लग जाता है, बादाम खाने लग जाता है, पनीर खाने लग जाता है, खोआ खाने लग जाता है, तो ये ऐसी एनर्जी वाली चीज़ें खाने लग जाता है, प्रोटीन पाउडर खाने लग जाता है। पर उसको ये नहीं पता है कि ये जो एनर्जी वाली चीज़ें हैं ये ओवर प्रोडक्शन करती हैं, जो हमने पहला पार्ट डिस्कस किया है कि ये सेमिनल फ्लूड को ज़्यादा बनाती हैं। आपके अंदर तो पहले से ही ज़्यादा बन रहा है, जो चीज़ पहले से ही ज़्यादा बन रही है उधर से आपने ऐसी खाने ताकत वाली चीज़ें खा रहे हैं जो उसको और ज़्यादा बनाएगी। इसीलिए ये सारे पेशेंट आज तक ठीक ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो उल्टा चल रहे हैं, वो सोचते हैं कमज़ोरी आ रही है इसलिए ताकत वाले खाने खाएं, पर ये काम उल्टा हो गया है, क्योंकि ताकत वाले आप खाने खाओगे तो और ज़्यादा 4 गुना कमज़ोरी आएगी, क्योंकि उससे ओवर प्रोडक्शन है, ये जो ग्रंथियाँ ज़्यादा फ्लूड बनाएगी और उतने ही ज़्यादा निकलेगा उतनी ही ज़्यादा कमज़ोरी आपके अंदर आ जाएगी। तो इसलिए हाई एनर्जी वाले जैसे बादाम हो गया, घी हो गया,
और कोई प्रोटीन प्रोडक्ट है, ताकत वाली चीज़ें हैं, चाहे होम्योपैथी में है चाहे आयुर्वेदा में, वो कभी भी नहीं खानी चाहिए इसके अंदर। आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो इसकी प्रोडक्शन है, जो इसके अंदर फ्लूड बन रहा है, एनर्जी बन रही है, उसको कम करे, उसको ज़्यादा ना बढ़ाए। इसलिए ऐसी, जिसको हम बोल देते हैं हिंदी भाषा में कि चने खाने से ताकत आती है, घी खाने से ताकत आती है, जिसको आप ताकत समझते हो, वो इस बीमारी के अंदर कभी भी नहीं खानी चाहिए। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सारे पेशेंट ठीक नहीं होते, क्योंकि सारे यही उल्टा काम करते हैं। जैसे ही उनको पता लगा ये चल रहा है, वो ताकत वाली चीज़ें उठाकर खाना लग जाते हैं, और ताकत वाली चीज़ें हमारे पहले स्टेप को क्रॉस कर देती हैं, जिससे ये भी ज़्यादा बनने लग जाता है, जो हमें ज़्यादा बनने नहीं देना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उधर से ट्रीटमेंट का आपने क्या करना है, खाली पेट रहना सीखना है। हमेशा भर पेट के कभी भी नहीं खाना चाहिए। जितना पेट खाली रहेगा, उतनी इसके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, उतनी इसको ठीक होने का ज़्यादा समय मिलेगा। और ख़ास करके फास्ट फूड है, वो भी इसको एक्सेसिव स्टिमुलेट करता है कि ज़्यादा फ्लूड बना, ज़्यादा पानी बना। तो ऐसे फास्ट फूड हैं बाहर से, वो बिल्कुल बंद करने चाहिए। इनडाइजेशन है, पेट की बीमारी है, जैसे कि पनीर है, वो खाने के बाद बहुत सारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। घी खाने के बाद शरीर बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करता है। जैसे लहसुन है, उससे खाने से गर्मी महसूस करता है, शरीर गर्मी पैदा करता है। अदरक खाने से शरीर गर्म रहने लग जाता है। तो जिन चीज़ों की तस्वीर गर्म है, जो शरीर के अंदर खाने के बाद शरीर ज़्यादा गर्मी बनाता है, वो चीज़ें बंद रखनी है। क्योंकि जैसे शरीर का, पेट का, अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा कोई भी चीज़ खाने से, जैसे फास्ट फूड खाने से पेट के अंदर का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी वहाँ पर बढ़ जाती है, तो इससे यहाँ से गर्मी ज़्यादा बढ़ने से यहाँ पे वाल्व होते हैं इसके, जो फ्लूड को बाहर निकलने से रोकते हैं, ये वाल्व ढीले पड़ जाते हैं। तो ऐसे खाने नहीं खाने हैं जो आपको ऐसा काम करते हैं। तो आपने ऐसे खानों से बचना है, इंडाइजेशन को क्योर करना है, एनर्जी वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। सोने से 4 घंटे पहले खाना खा लेना है, 4 घंटे बाद ही हमेशा सोना है। खाना खाने के दूध वाली चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है, वो इसके अंदर नहीं लेनी चाहिए, वो बहुत बड़ा कारण है धातु रोग का, स्पर्मटोरिया का, नाइटफॉल का। तो ये सारी चीज़ें जो आपको साइंस से रिलेटेड है मैंने समझाई हैं, जो साइंस बोलती हैं, तो सारा आपको समझ आ गया होगा। जो लोग इस वीडियो को देख रखे हैं वो सारे यही गलती कर रहे हैं, ताकत वाली चीज़ें खाकर इस बीमारी के अंदर, जो नहीं खानी चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ़ है या ऐसा कोई आस पड़ोस में आपके पेशेंट है जिसको आगे चलकर इन बीमारी की वजह से सेक्सुअल वीकनेस है, इनफर्टिलिटी है, बच्चे पैदा करने की समर्था भी चली जाती है ये बीमारी आगे चलकर, नापुंसकता भी हो जाती है, वो उनको गलती इसी की वजह से होता है। जैसे नापुंसकता थोड़ी बहुत होती है, वो ताकत वाली चीज़ें हर एक जगह से उठाकर खाने लग जाते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इंग्लिश, जो सबसे बड़ा नुकसान का कारण है। इसका सही इलाज करें और रिलायबल सोर्सेस से सही इन्फॉर्मेशन लेकर ट्रीटमेंट करें। अगर इसके बिना और भी आपको साइंस बेस्ड वीडियो देखना अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल पर आइए। कैंसर पर, गठिया के ऊपर, जोड़ों के ऊपर, मर्दों की बीमारियां, जो औरतों की बीमारियां, और भी बहुत सारी एसिडिटी के ऊपर जो वीडियोज़ हैं, थायराइड के ऊपर हैं, कैंसर के ऊपर हैं, वो सारी देख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको ऐसी अच्छी लगती हैं साइंस बेस्ड, तो नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का आइकन बना है उसको दबाकर जरूर नोटिफिकेशन के लिए लाइक कर दें, क्योंकि उसको नहीं दबाओगे तो मेरी नई वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक।